गुड मॉर्निंग। आरआरबी एनटीपीसी 2019 के सभी कैंडिडेट्स का मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 21 जनवरी है और आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में 2 माह से भी कम समय रह गए हैं। मैं अमूमन एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट पर कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपको अलर्ट कर दिया जाए कि अब वक्त आ गया है। ना तो इससे पहले कभी इतनी वैकेंसी ग्रुप सी की आई थी और ना ही आने की कोई संभावना है आगे। इसलिए अगर इस बार फतेह तो फतेह, और अगर चूक गए तो इस वीडियो में मैं एनटीपीसी एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर के लिए एक ई बुक तैयार कर रहा हूँ, तो एक झलक उसकी भी देख ली जाए। तो देखिए, ये है वो ई बुक जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पावन पर्व पर मैं अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। इसमें मैंने वो सभी टॉपिक्स कवर किए हैं जिनसे 10 से 12 क्वेश्चन अमूमन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक्चुअली किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीएस ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में ऑलमोस्ट सभी के मार्क्स में 2-4 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है, जबकि जीएस अगर अच्छे से तैयार है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि जीएस ही जो है डिसाइडिंग होता है। तो अभी मैं इसका फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके बाद 7 पार्ट और मैं तैयार करूँगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट साइंस और अदर मिसलिनियस टॉपिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ये सभी पार्ट मैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। तो देर किस बात की, तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गणतंत्र दिवस के उपहार के रूप में जीएस फर्स्ट पार्ट की ईबुक प्राप्त कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने ना तो किसी न्यूज़पेपर की कटिंग रख रहा हूँ और ना ही कोई वीडियो क्लिप प्रस्तुत करूँगा। मैं खुद एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए जो है कि 35,208 कुल पद हैं और इसके लिए कैंडिडेट्स कितने हैं, 1,26,30,885 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो 1,26,00,000 कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम की व्यवस्था करने के लिए कितने सेंटर्स चाहिए, कितने कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी और कितनी प्रशासनिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये आप खुद एनालाइज कर लें। लेकिन विभिन्न सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर ये निश्चित है कि रेलवे के द्वारा एग्ज़ाम सेंटर्स की बुकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम तो होने हैं और विद इन 2 मंथ्स होने हैं, ये पक्का है। अब एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि CGL 2019 टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है ये 2 मार्च से 11 मार्च 2020 के बीच में होना है, और CHSL 2019 का टीयर 1 का एग्ज़ाम 16 मार्च 2020 से 27 मार्च 2020 तक होना है, और ये दोनों ही परीक्षाएं SSC के द्वारा कंडक्ट कराई जानी हैं और ये दोनों ही परीक्षाएं ऑल ओवर इंडिया होनी हैं और इनमें भी ऑलमोस्ट उतने ही एग्ज़ाम सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक तो NTPC के लिए सेंटर ही खाली नहीं मिलेंगे, तो एग्ज़ाम कैसे होगा। लेकिन ये 100% श्योर है कि जैसे ही ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे, सेंटर्स खाली होंगे, तो 27 मार्च के बाद डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम होने हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए आप, जो है
वो ये है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 42 मार्क्स हैं। अगर आपके 42 नंबर CBT 1 में नहीं आते हैं तो आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, मेरिट या उसमें आने का तो कोई मतलब ही नहीं आता है। तो पहली चीज़ तो आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि 42 नंबर आ जाएं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि NTPC के ग्रुप सी एग्ज़ाम में टाइप टेस्ट मैंडेटरी है, इसलिए आप टाइपिंग की भी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दें। अगर आपने अभी तक शुरू ना किया हो तो आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि 30 शब्द पर मिनट अंग्रेजी में और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और सपोज कीजिए कि आपने Tier 1 Tier 2 दोनों क्वालिफाई कर लिया और टाइपिंग में डिसक्वालीफाई हो गए, तो कितना बहुत कितना दुख होगा आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो इसलिए आप बिल्कुल रेड अलर्ट हो जाइए, अपनी तैयारी को तेज़ कर दीजिए। 42 नंबर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, पहली बात ध्यान में रखिए। दूसरी बात, टाइप टेस्ट मैंडेटरी है। और तीसरी बात यह है कि जो एग्ज़ाम्स आपके हैं ये 27 मार्च के बाद किसी भी समय हो सकते हैं, तो इन तीनों चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखिए। और इसके बाद मैं फिर आपको अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे, जिससे या एक तरह से मिनिमम कट ऑफ क्या होगी CBT 1 की, जिससे कि आप जो है CBT 2 के लिए क्वालिफाई कराया जा सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप्स में सभी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ईबुक तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू।